Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher Ms. Farah Jameel. I hope you all are fine. Now students, take out your social studies book and open the page number 50. Students, today we will revise unit 13. It is some countries of the world. Duniya ke kuch mumalik. To bachcho, duniya ke mumalik ke baare mein janne se pehle, hum apne mulk ke baare mein thoda sa jaan lete hain. What is the name of our country or your country? कि हमारे मुल्क का नाम और आपके मुल्क का नाम क्या है. बच्चों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे मुल्क का ऑफिशियल नेम क्या है? बच्चों, हमारे मुल्क का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जिसे हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान. तो पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो कि उसका ऑफिशियल नेम है. और बच्चों, पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, यानी कि एक इस्लामिक कंट्री है. यानी यहाँ पर अक्सरियत किन की है? मुसलमानों की है. और बच्चों, पाकिस्तान कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान हिंदुस्तान के मगरबी इलाके में मौजूद है. और बच्चों, क्या आपको पता है कि इस वक्त तक पाकिस्तान की आबादी कितनी है? पाकिस्तान 20 करोड़ आबादी के साथ दुनिया का छठे नंबर पर बड़ी आबादी वाला मुल्क है. और बच्चों, पाकिस्तान की आपको पता है कि कौन सी कौमी बोली है? तो पाकिस्तान की कौमी बोली उर्दू है. और बच्चों, पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है, यानी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? इस्लामाबाद है, जो कि हम अपने पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं आर सिटीज़ में, कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है. और बच्चों, इस वक्त पाकिस्तान के सदर का नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए, इस वक्त पाकिस्तान के सदर का नाम आरिफ अलवी है. और बच्चों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम इस वक्त इमरान ख़ान है. और बच्चों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान कब वजूद में आया, यानी कब बना? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया. और ये सब किसकी वजह से हुआ? हमारे बानी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनतों और कोशिशों की वजह से हुआ. और बच्चों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर आपको पता है कौन सा है? कराची है. और बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है और दुनिया का दूसरा बड़ा शहर कराची है. और बच्चों, इस तरह से कराची सूबह सिंध का कैपिटल भी है. और बच्चों, इसी तरह सूबह पंजाब का कैपिटल लाहौर है. और सूबह खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल पिशावर है, जबकि सूबह बलूचिस्तान का कैपिटल क्वेटा है. और बच्चों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, यानी टोटल एरिया कितना है? 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर है. और बच्चों, पाकिस्तान के अंदर फर्टाइल सॉइल, पहाड़, दरिया और ख़ूबसूरत वादियां भी हैं. और अगर बच्चों पाकिस्तान की लोकेशन की बात करें, यानी पाकिस्तान के पड़ोस में क्या है, इसके बॉर्डर्स के साथ कौन कौन सी मुल्क मिलते हैं, तो बच्चों पाकिस्तान की ईस्ट बॉर्डर के साथ यानी मशरक़ी सरहद के साथ भारत वाक़ है. और शुमाली सरहद यानी नॉर्थ बॉर्डर के साथ चीन है, जबकि नॉर्थ वेस्ट यानी मगरबी शुमाल मगरबी सरहद के साथ अफ़गानिस्तान और ईरान वाक़ है. और इसी तरह बच्चों, पाकिस्तान के जुनूब में यानी साउथ में अरेबियन सी वाक़ है. तो बच्चों, ये थी पाकिस्तान के बारे में एक छोटी सी तफसील. इसके अलावा भी पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम बहुत से ममालिक के बारे में पढ़ेंगे दुनिया के. तो पाकिस्तान के बारे में अभी हमने पढ़ा, इसके अलावा हम ईरान के बारे में, जो कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं, हम इन्हें नेबर कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं. ईरान है, इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, बांग्लादेश है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और इजिप्ट है. तो बच्चों, इनमें से पाकिस्तान के कुछ पड़ोसी ममालिक हैं और कुछ पड़ोसी ममालिक नहीं भी हैं, लेकिन पाकिस्तान का इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रह चुका है और कुछ के साथ पाकिस्तान के क्लैशेस भी चल रहे हैं. तो ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.